हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलएलबी के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एलएलबी का कट ऑफ आ चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस के लिए। तो कट ऑफ पेज पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें और हम आपको ऐसे ही कट ऑफ बताते रहें एयू से रिलेटेड। तो चलिए कट ऑफ पेज पर चलते हैं। दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद LLB 3 है, जो टाइमिंग रहने वाली है 9:30 से 12:30 बजे तक इनके एडमिशन्स होंगे प्रवेश भवन में। देन यहाँ पे जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो 12 दिसंबर के लिए आ रही है LLB के लिए। इससे पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ। देन उसमें सिर्फ यही कैटेगरी निकली थी 12 तारीख के लिए, जो आप देख रहे हैं अभी, सिर्फ 12 तारीख के लिए ही इन्होंने कट ऑफ निकाला था। लेकिन इस बार इन्होंने कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ निकाल दी है। देन यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो दिया है यहाँ पर 12 तारीख के लिए ऑल कैटेगरी में 180.20, मतलब कि 180.20 जिनका भी मार्क्स है ऑल कैटेगरी, वो चाहे किसी भी जनरल OBC कोई भी कैटेगरी है, वो यहाँ पे जाके 12 तारीख को एडमिशन ले सकते हैं। देन साथ ही ST वालों के लिए भी निकला था, जिनका मार्क्स 100 या उससे अबव है, वो ST कैटेगरी के भी लोग यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं 12 तारीख में, जिनका नंबर 100 से या उससे ज़्यादा है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट कट ऑफ की, 13 तारीख की कट ऑफ की। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे हम OBC की, अगर कैटेगरी वाइज OBC की बात करें यहाँ पे तो 170 मार्क्स दिया है, 170 एंड अबव, जिनका भी 170 या उससे ज़्यादा है, वो 13 तारीख को जाके प्रवेश भवन में अपना एडमिशन LLB के लिए करा सकते हैं। देन उसके बाद SC का कट ऑफ यहाँ पर आया है, SC के लिए 160 है। देन उसके बाद ST का वही सेम रहने वाला है 100 मार्क्स। तो ये रहा 13 तारीख का पूरा शेड्यूल LLB के लिए। देन 14 तारीख का भी कट ऑफ इन्होंने जारी किया है। देन यहाँ पे EWS की बारी आ जाती है। देन EWS की बात करें तो 174 यहाँ पे कट ऑफ इनका गया है। EWS कैटेगरी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे 174 जिनका भी नंबर है, वो 14 तारीख को जाके LLB में अपना एडमिशन करा सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे SC कैटेगरी, 14 तारीख की बात करें SC कैटेगरी की तो 158 है, और रही बात 13 की तो 160 था, तो नंबर और कम हो जाता है 14 तारीख की शेड्यूल में। देन ST का देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे 71.40 14 तारीख की कट ऑफ में ST वालों का रहने वाला है। देन यही रहा पूरा कट ऑफ से रिलेटेड बातें। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी बातें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ता हूँ, जो बेसिकली पहला है वो एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड आपका रहने वाला है, जो एंट्रेंस आपने दिया था उसमें उसका एडमिट कार्ड। देन जो रिज़ल्ट आया था उसका रिज़ल्ट। देन यहाँ पे मार्कशीट लगेगी हाई स्कूल इंटर की, देन उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, ऑल्सो अ फोटो कापी। आपको फ़ोटो कापी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं आपको साथ में फ़ोटो कापी भी ले जानी है, एंड ओरिजिनल तो ले ही जाना है। देन उसके बाद देखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एफिडेविट, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर आपका गैप है ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपका गैप होगा तो आपका गैप ईयर का अंडरटेकिंग बनता है 10 रुपये के स्टैम्प पे पेज पे, तो वो आप बनवा सकते हैं किसी भी लॉयर से। देन उसके बाद रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा OBC SC ST का, जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन EWS का EWS सर्टिफिकेट लगेगा, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो। देन उसके बाद आपका रिसेंट फ़ोटो कलर फ़ोटो 3 लगेगी, आधार कार्ड भी आपका लगेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके फ़ोटो कॉपी से मिलाया जाएगा। देन ये रहा आज का वीडियो में इतना ही। देन ये रही LLB से जितने भी कट ऑफ अभी तक आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो मैंने आपको बता दिया है। जिनका भी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर रहा है वो जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं दिए गए डेट्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।